हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल तो सबसे पहले तो अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी आज जो है मैं आप लोगों के साथ फिर से किचन से ही हमारा व्लॉग स्टार्ट होगा और किचन पर ही ख़त्म होगा तो क्योंकि आज जो है हमारे घर में दावत है और ये दावत जो है बहुत सडनली प्लान हुई थी और बहुत सडनली ही हुई थी तो इसलिए बस आज जो भी मैं दावत में बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत मज़े की और बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हैं तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें और देखें आज मैं क्या क्या बनाती हूँ सो so, जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं ना हम सबका ऐसा ही होता है कि हम हमारी ट्राई होती है कि हम सबसे पहले जितनी भी वेजिटेबल्स कट करनी होती हैं कुकिंग के लिए उसको हम सबसे पहले कट करके साइड पर रख लें उससे ये होता है कि आपका ना एक जो कटिंग का पार्ट होता है ना वो डन हो जाता है और चीज़ें जो है आप फिर काफ़ी क्विकली रेडी करना शुरू कर देते हो तो इसलिए जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो मैंने सारी कट कर ली थी और उसके बाद सेकेंड मेरा काम था कि जो मैरिनेशन होनी थी जितनी भी चीज़ों की मैरिनेशन करके रख लें तो फिर इसी तरह मैंने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने सबसे पहले मैरिनेशन कर ली थी और ये मैरिनेशन मैंने बहुत ही डिफरेंट की थी इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला था इसमें मैंने मस्टर्ड पाउडर डाला था और चिली फ्लेक्स ऐड किए थे सॉल्ट ऐड किया था सी फिर मैंने इसमें पेरी पेरी सीजनिंग ऐड किया था सोया सॉस और पेपरिका ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया था और फिर दूसरी साइड पे मैंने मेक्रोनीस को बॉईल होने रख दिया था और फिर हम करेंगे यहाँ पर सॉस रेडी एक को मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के साइड पर बॉईल होने रख दिया था मैंने कहा कि साइड पर बॉईल होती रहेगी और उतनी देर हम अपना जो सॉस है सॉस को रेडी कर लेंगे उससे पहले जो था मैंने कहा कि मैं जो काउंटर टॉप है उसको अच्छे से क्लियर कर लूँ साथ साथ जो है ना किचन को क्लियर रखेंगे हम ताकि हमारा काम बहुत ज़्यादा ना बढ़े और साथ में मैंने सोचा कि साथ में मैं एक छोटा सा सीन डाल देती हूँ कि मैं बिहाइंड दी सीन कैसे अपना कैमरा वगैरह सेट कर रही होती हूँ तो बस इसी तरह जो है मैं कैमरा यहाँ पर मैंने रख रही थी सेट रही थी ताकि मैं जो है सोस रेडी कर सकूँ काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया है और कैमरा भी मेरा सेट हो चुका है तब हम सॉस बना लेते हैं सॉस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ली थी मायोनीज़ कुछ जितनी भी चाहिए ना आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सेट कर लें बस इंग्रेडिएंट सेम रखें और ये जो सॉस है ना ये आप लोग ज़रूर ट्राई करना है सॉस बहुत अच्छी बनी थी तो इसमें मैंने मायोनज ऐड की थी फिर इसके बाद जो है गार्लिक मायोनीस थी वो मैंने इसमें ऐड की थी साथ में मैंने इसमें केचप जो चिली गार्लिक सॉस होती है ना केचप वो वाली मैंने इसमें ऐड की थी और केनॉर्स की की थी मैं केनॉर्स की यूज़ करती हूँ और साथ में मैंने इसमें स्वीट सॉस ऐड की थी और फिर मेरे पास फ्रेंच ड्रेसिंग थी बस ये चीज़ें मिक्स करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और सॉस बहुत मज़े की रेडी हो चुकी हुई थी सो so, बस अब हम नेक्स्ट वॉफल्स की तैयारी शुरू करेंगे वॉफल्स के लिए जो है मैं सबसे सब पहले जो उसकी टॉपिंग थी ना उसके लिए मैंने जो विप क्रीम होती है वो लेके मैंने उसका मूज बना लिया तो उसको अच्छे से ये ना नप क्रीम बहुत अच्छी थी तो इसका मूज बहुत अच्छा बना था बस इसको मैंने मूस बनाकर फ्रिज में रख लिया था ताकि जब तक मैं वॉफल्स बनाऊंगी वॉफल्स असल में मैंने आज भाभी को सिखाने हैं कि कैसे बनाते हैं तो बस आज भाभी की ना वॉफल्स की ट्रेनिंग चल रही है और भाभी को मैं वॉफल्स बनाने सिखा रही हूँ वैसे तो ये विप क्रीम स्वीट ही थी लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की थी कि थोड़ा सा जरा सही से मीठा हो जाएगा तो मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करके ना पाउडर शुगर ऐड करके मूज़ बना लिया था और अब आ जाती है वॉफल्स की मैरिनेशन की तैयारी तो उसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया था और मैंने इसमें हाफ़ कप जो है शुगर पाउडर ऐड किया था फिर एक टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर एक टीस्पून बेकिंग सोडा और इसमें मैंने वनीला पाउडर ऐड किया था वनीला पाउडर का ना एक अलग और डिफरेंट टेस्ट आता है तो मैंने इसमें वनीला पाउडर ऐड किया था तो मैरिनेशन ना वॉफल्स की बहुत ही सिंपल है लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट बनते हैं फिर मैंने उसके बाद जो है ये चीज़ें डाल के ड्राई जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे मैंने इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया था मैं ड्राई को इसलिए मैंने मिक्स किया था इससे ये हो जाता है कि जितनी भी चीज़ें आपस में मर्च हो जाती हैं तो फिर उसके बाद जब मैंने एक बाउल लिया था उस बाउल में ना मैंने अंडा आपको पता है मैं सेपरेट ही तोड़ती हूँ कि अगर इनकेस अंडा ख़राब हो ना तो आपकी बाकी चीज़ें वेस्ट ना हो तो इसलिए मैंने एक अंडा ले लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ले लिया था और थोड़ी सी शुगर ऐड करके और थोड़ा सा जो है ना सॉरी शुगर नहीं थोड़ा सा मैंने उसमें ऑयल ऐड करके उसको मिक्स कर लिया था और एक जो है उसका लिक्विड फॉर्म सा मैंने बना लिया था और फिर उसके बाद मैंने जो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे फिर इसमें डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके एक जो थिक फॉर्म वाली जिसे कह रहे हैं थिक वाली हमने इसकी मैरिनेशन तैयार कर ली थी सो so, यहाँ पर मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है अब हम आते हैं मेकरोनी की तरफ इसके लिए मैंने चिकन जो है बॉईल कर लिया था और अब इसको जो है क्रश कर ही मैंने हाथों से ही क्रश कर लिया था और बस दूसरी साइड पे मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट जो है एक टीस्पून मैंने ऑयल लिया था उस पर मैंने फ्राई कर रही थी और उसके बाद जो है दूसरी साइड पर मैं सॉस रेडी करने लग गई थी इसकी सॉस में मैंने ना दही ली थी दही जो पाउच वाली होती है मैंने वो दही यूज़ की थी और साथ में मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड कर दी थी और थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था बीटर से मैनुअल बीटर से कर लें दूसरा इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है मैनुअल से ही मिक्स हो जाएगा क्योंकि हमने जस्ट मिक्स ही करना है इसको और हमने इसमें कुछ नहीं करना इसको मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने मेकरोनी बॉइल्स की थी ना वो सारी मेकरोनी को मैंने ऐड कर दिया था तो दूसरी साइड पर भी अब हमारा यहाँ पर हमने करना था मसाला तैयार तो इसके बाद मैंने ना जो जिंजर गार्लिक की पेस्ट को लाइट सा ब्राउन करके उसमें मैंने चिकन ऐड कर लिया था चिकन को थोड़ा सा जो है लाइट ब्राउन करके फिर उसमें मैंने जो है रेड चिली और फिर सॉल्ट और साथ में ब्लैक पेपर सिर्फ ये तीन मसाले डाल के मैंने इसको पका लिया था और यहाँ पर जो है इसको तीन से चार मिनट पाँच मिनट आप पका लें और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारी ये सॉस भी रेडी हो गई थी सॉरी सॉस नहीं यहाँ पर हमारा ये वाली मैरिनेशन का जो एक चिकन था वो रेडी हो चुका हुआ है फिर उसके बाद जो है मेकरोनी के बीच में मैंने ये सारा जो हमने रेडी किया था चिकन को फिर वो सारा चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया था और फिर इसको अच्छे से मिक्स किया था कि सारी चीज़ें आपस में मर्ज हो जाएं और फिर मैंने इसको क्लिंग करके फ्रिज में रख दिया था क्योंकि ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है बेसिकली एक तरह से मिक्रोनी से कह लें आप लोग सैलेड कह लें लेकिन ये बड़ी अच्छी बनती है ट्राई करना आप लोग ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी अच्छा क्योंकि भाई के जो इन लॉज़ है ना वो आज का आए थे इस तरह भाभी को सरप्राइज़ देने के लिए आए थे तो सडनली आए थे इतना आइडिया नहीं था कि आना है तो अगर पता होता ना तो फिर हम अच्छे से प्रिपेयर करते लेकिन क्योंकि ये काफ़ी सडन वाली दावत थी तो इसलिए जो जो चीज़ें हमें समझ में आई और जो हमें लगता था कि क्विकली बन जाएगा तो फिर हमने वही चीज़ें बना ली थी तो यहाँ पर अब मैंने जो है वॉफल्स को जो है ना बनाने लग गई थी कि मैंने कहा कि वॉफल्स रेडी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम रह गया था थोड़ा और काम रह गया था तो, तो चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी रेडी होने वाली थी तो फिर वॉफल्स वगैरह रखे क्योंकि वॉफल्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं इस मशीन में लेते हैं या पता नहीं वैसे भी लेते हैं आइडिया नहीं है बट मेरी मशीन में काफ़ी टाइम ले लेते हैं तो क्योंकि मैं ना ज़्यादा ब्राउन करती हूँ इसलिए बस फिर वॉफल्स को लगाकर दूसरी साइड पे मैंने चाउमीन तैयार करना शुरू कर दिया था जिंजर गार्लिक की पेस्ट में मैंने चिकन को जो है फ्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स और सॉल्ट ऐड करके और चिली सॉस भी इसमें मैंने ऐड करके सारी वेजीज डाल दी हूँ साथ में ही ना मैं जो चाउमीन मैंने बॉईल किया हुआ था वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया था और इस तरह ना मेरी क्विकली और बहुत मजे की जो है चाउमीन रेडी हो गई थी और बस दूसरी साइड पर वॉफल्स भी रेडी होना शुरू हो गए थे तो एक वॉफल निकाल कर ना मैंने इसको डिकोर किया था इस तरह के ऊपर मैंने इसके जो है न्यूटेला लगाई थी न्यूटेला को ना मैं इससे लगा रही थी चूरी की जो बैक साइड होती है ना उससे लगा रही थी क्योंकि मेरे पास ना वो वाला था नहीं जो इसका बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना मेरे पास वो नहीं था नाइफ से मैंने फिर इसको डिकोर कर लिया था और उसके ऊपर जो है मैंने जो हमने मूज बना के रखा था वो ऐड किया और उसके ऊपर फिर मैंने न्यूटेला ऐड करके इसको अच्छे से डिकॉर कर लिया था अच्छा ये जो दावत थी ना ये हमने डेढ़ घंटे में जितनी भी चीज़ें थी ना हमने माशाल्लाह से रेडी कर ली थी और ये मैं और मेरी सिस्टर थी और एक मेरी भाभी थी हम तीनों मिलके काम कर रहे थे मेजरली जो है भाभी को सिर्फ मैंने वॉफल्स सिखाए थे और बाकी जो है मैं और मेरी सिस्टर जो है ना हम मिलके कर रहे थे और अब वॉफल्स मैंने साथ साथ बना लिए थे और साथ में जो अब हमने चिकन को जो मैरिनेट करके रखा हुआ था ना बस अब उसको फ्राई करना था क्योंकि टोटीला रैप एक हम बना रहे थे तो उसके लिए जो है ना चिकन हमने फ्राई करना था तो सबसे पहले जो है मैंने इसको अंडा मैदा और जो क्रम्स मैंने बना के रखी थी इनकी कोटिंग करके फ्राई कर लिया था और इसका ना फ्लेवर बहुत मज़े का आया था और इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छे से हो गई थी तो बस इसको फ्राई जो है ना मैंने मीडियम हीट पर किया था मीडियम हीट पर इसलिए फ्राई किया था ताकि जो है चिकन अच्छे से अंदर तक गल जाए क्योंकि अगर मैं इसे तेज़ हीट पर करती तो ये जल भी सकता था और दूसरी चीज़ ये थी कि ये हो सकता है कि ऊपर ऊपर से फिर ये टेंडर हो जाता और अंदर से जो है ये अच्छा ही रहता सो so, बस चिकन रेडी करके फिर टोटीला रैप हमने ना घर पर ही बना लिए थे क्योंकि मार्केट से मिले नहीं थे बेसिकली uh, जो नज़दीक हमारे घर के थी शॉप वहाँ से मिले नहीं थे और फिर हमने सोचा कि घर पर ही बना लेते हैं इतना टाइम वेट करना पड़ेगा तो उसके लिए जो है हमने सिंपल सा ना सॉल्ट और यीस्ट हल्की सी बिल्कुल हमने यीस्ट डाली थी वो डालकर आटा गूंद लिया था और फिर उसके बाद जो है हमने इसके रैप वगैरह रेडी कर लिए थे और रैप जो है ना जो मैंने सॉस स्टार्टिंग में बनाई थी वो इन्हीं रैप्स के लिए बनाई थी और बस फिर वो लगा कर और उसकी जितनी भी वो ऊपर इसके सलाद पत्ता रख दिया था और साथ में टमाटर रख दिया था आ, कुछ में मैं कुछ रैप्स में मैंने अनियन भी ऐड किया था लेकिन आ, होता है ना कुछ लोगों को अनियन इतना पसंद नहीं होता तो बस फिर वो उनके लिए मैंने स्किप कर दिया था और इस तरह पैक करके हमारा रैप तैयार हो गया था दूसरी चीज़ ये कि ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं गेस्ट की ना वीडियो बनाऊँ और ऊपर से फिर वो मुझे ऑकवर्ड इतना फील हो रहा था कि एक तो मैं उनकी वीडियो बनाऊँ ऊपर से खाना खाते हुए बनाऊँ तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था इसलिए मैंने जस्ट वो पार्ट जो है मैंने स्किप कर दिया था और फिर जो है आंटी बैठी हुई थी मैंने आंटी से पूछ लिया था कि आंटी मैं आपका एक छोटा सा क्लिप ले लूँ तो आंटी ने अलाउ कर दिया था तो इसलिए फिर मैंने आंटी का क्लिप ले लिया तो बस यही मेरा छोटा सा एक व्लॉग था आज का दावत का तो जो सडनली हमारी प्लान हुई थी तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज